चलिए इसी के साथ नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से, जहां सिद्दीकी कप्पन की जेल से रिहाई हो गई है। पीएफआई से कनेक्शन होने का इन पर आरोप लगा था। हाथरस कांड में भी हिंसा फैलाने का आरोप लगा था। कई गंभीर आरोप, कई बड़े आरोप सिद्दीकी कप्पन पर लगे थे, जिनकी रिहाई आज जो है हो गई है। कप्पन को ईडी से मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत मिली है। दोनों मामले में जमानत मिलने के बाद आज रिहाई हो गई है। जमानत कुछ दिनों पहले ही सिद्दीकी कप्पन को मिल गई थी और आज जो है पूरी तरीके से रिहाई मिल गई है। और इसी के साथ आपको एक जानकारी भी और दे दें कि मामले में इनके कप्पन के साथ चार लोग भी गिरफ्तार किए गए थे। कुल छह लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें आज सिद्दीकी कप्पन की रिहाई हो गई है। कुछ दिनों पहले ही जमानत की याचिका दाखिल की गई थी। जमानत के बाद आज रिहाई हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं रिहाई के बाद काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, मगर अभी इनको 6 हफ्तों तक दिल्ली में ही रहना होगा। इसके बाद ये अपने घर जा सकते हैं। इनके साथ चार लोगों को गिरफ्तार किया था और रिहाई के 6 हफ्ते तक दिल्ली में रहेंगे और उसके बाद 6 हफ्ते बाद केरल, जिनका घर यहाँ केरल बताया जा रहा है, वहां सिद्दीकी कप्पन जाएगा। तो आज रिहाई हो गई है और 6 हफ्ते तक दिल्ली में रहना होगा, उसके बाद कहीं भी जाने की इजाजत है। कई बड़े गंभीर आरोप सिद्दीकी कप्पन पर लगे हैं। पीएफआई से कनेक्शन होने का आरोप, हाथरस कांड में भी इनका बहुत बड़ा हाथ माना जा रहा था, ऐसा आरोप इन पर लगा था। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां गिरफ्तार सिद्दीकी कप्पन की जेल से रिहाई हो गई है। कई बड़े गंभीर आरोप लगे थे, जिसके चलते इनको जेल जाना पड़ा था और आज जमानत के बाद रिहाई हो गई है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कदीद है, कदीद प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है दिल्ली में, या केरला यूनियन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स, वो भी कदीद होगा। अदर सरकार के खिलाफ या सरकार का पसंद नहीं है तो वो कदीद होगा, टेररिस्ट होगा। वो एक न्यू इरा, एक ट्रेंड है। चलिए इसी के साथ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, सिद्दीकी कप्पन की रिहाई हो गई है, कई बड़े आरोप इन पर लगे थे। जी देखिए, बिल्कुल, केरल के रहने वाले पत्रकार सिद्दीकी कप्पन को आज जो है जमानत मिल गई। आपको बता दें, हाथरस रेप कांड की कवरेज करने आ रहे पत्रकार को जिस तरीके से मथुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया था, उस समय आरोप लगा था कि जो पत्रकार सिद्दीकी कप्पन है, उनके द्वारा जो है मतलब उस समय आरोप ये लगा हुआ था कि मतलब जो पीएफआई जो संगठन है, उसमें जिस तरीके से वो उन्होंने वहां पर कवरेज की थी, उसकी आड़ में हाथरस की कानून व्यवस्था को लेकर जो है प्रभावित करने का उनको जो पर पुलिस का आरोप लगा था। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश लखनऊ में उनको जो है इस तरीके से जेल भेजा गया था। उसके बाद आज सिद्दीकी कप्पन के खिलाफ जिस तरीके से ईडी में जो सबूत है वो पेश नहीं कर पाई, जिसके बाद आज उनकी जो है जमानत ली गई। आपको बता दें, सिद्दीकी कप्पन की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई कोर्ट में हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने जो है सिद्दीकी कप्पन को निजी मुचलके पर जमानत दी थी। जिस तरीके से पत्रकार कप्पन को ईडी ने अक्टूबर 2020 में गिरफ्तार किया था, जिनके ऊपर पीएफआई से संबंध रखने के आरोप के बाद जिस तरीके से जो है उन पर मनी लॉन्ड्रिंग की पूछताछ की गई थी, उसके बाद आज जिस तरीके से उनको रिहा किया गया है, तो उस तरीके से कह सकते हैं कि जो है। तो जी जी अविनाश, इनके साथ चार लोगों को भी गिरफ्तार किया था, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई, क्या उनकी भी जमानत हो गई या अभी भी वो जेल में है? जी देखिए, हाथरस रेप कांड में कवरेज करने गए जो है पत्रकार हैं सिद्दीकी कप्पन, उनको पुलिस ने, मथुरा पुलिस ने जो है उनको गिरफ्तार किया था। उस समय उनके साथ चार लोग मौजूद थे, जिनसे उन्होंने जो है हिरासत में लिया था। जिसके तरीके से आज जो है, आपको बता दें, पूरा मामला जिस तरीके से जो है पीएफआई के जो सक्रिय सदस्य, उनके जो है आड़ में जिस तरीके से कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था को जो है प्रभावित करने के लिए जिस तरीके से उन पर आरोप लगा था, तो उनको आज जो है रिहा किया गया है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको लखनऊ से हमने बताई, जहाँ सिद्दीकी कप्पन की रिहाई आज हो गई है। जमानत कुछ दिनों पहले ही सिद्दीकी कप्पन को मिली थी और आज जो है पूरी तरीके से रिहा कर दिया है, मगर अभी भी 6 हफ्ते तक इन्हें दिल्ली में रहना होगा और उसके बाद इन्हें इजाजत है कहीं भी जाने की। तो बड़ी खबर है लखनऊ से।